उस पातंजल योग दर्शन में आया। अहिंसा क्या है? अहिंसा की बात आई। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है। ये अहिंसा जिसके जीवन में सिद्ध और साकार हो जाती है, उसकी विशेषता यह है, उसके समीप आने वाले जो हिंसक जानवर हैं उनका भी क्रोध शांत हो जाता है। ये परिभाषा महर्षि पतंजलि ने की है उन मुनि के जीवन में अहिंसा साकार हुई थी। वे गए, सर्प ने उन्हें देखा, सर्प में क्रोध जागा, उसने उपद्रव का भी प्रयास किया, लेकिन जो उनकी अहिंसा थी, अहिंसा का पर्यायवाची प्रेम है, करुणा है, उन्होंने प्रेम की दृष्टि से उसे देखा और वो शांत हो गया था। यहाँ तक कि वो पूर्ण शांत हो गया। जो आदमी को देखते ही डंक मारने के लिए दौड़ा करता था, अब तो शांत और चुप है, मुनि के चरणों में पड़ा रहता है, वहाँ रहता है। ऐसी स्थिति हो गई। मुनि वहाँ रहते हैं, सर्प भी उनके आसपास रहता है। इधर उधर से लोगों ने, किसने देखा, कहते हैं भाई ये तो बड़ा विचित्र साधु आया, कमाल है, इसने तो, कोई कहता है सर्प को कील दिया, कोई कहता क्या कर दिया, ये तो सर्प इसके पाँव में पड़ा रहता है, वहीं आसपास घूमता हुआ दिखता है, ये तो बड़ा विषैला था, जहरीला था, क्रोधी था, क्या हुआ? लोग आश्चर्य में रह गए। लोग दूर दूर से अब दर्शन करने आते हैं, दूर से नमन करते हैं और कहते हैं कमाल है साधु की बात तो, इसने तो एक सर्प को भी अपना भक्त जैसे बना लिया हो। चारों ओर चर्चाएं थी इस बात के कि वो जो सर्प है वो तो मुनि का उपासक बन गया। चतुर्मास शेष था, चारों ओर ये चर्चाएं थी। ये तो वहां पर पहुंच गए, परंतु अभी चतुर्मास के प्रारंभ के बाद और है। आचार्य संबोध विजय का तीसरा शिष्य, वो भी गुरु के पास आया था। उसने भी कहा गुरुदेव मेरे ऊपर भी कृपा करो, बोलो, मैं भी अकेले में चतुर्मास करना चाहता हूँ। ठीक है, कर सकते हैं। कहाँ करोगे? गुरुदेव मैं अपने आप को परखना चाहता हूँ। कैसे परखना चाहते हैं? मेरा ध्यान कैसा है, मेरी समाधि कैसी है, मेरा अपने मन वचन काया पर नियंत्रण कैसा है, ये मैं देखना चाहता हूँ। कैसे देखोगे? मैं किसी कुएं के मुंडेर के ऊपर खड़े होकर ध्यान करते हुए चतुर्मास करना चाहता हूँ। कहाँ बताया श्रावको? कुएं की मुंडेर पर। ये बड़ी विचित्र प्रकृति है, पानी बहता हो नदी के किनारे, करना मत, सुन लेना, आदमी खड़े होकर पानी को देखने लग जाए, पानी को देखते देखते आदमी घूमना शुरू हो जाता है और आदमी गिर पड़ता, खड़ा नहीं रह पाता। जो वो देखता ना बाहर पानी, वो इसके यहाँ बहने लगता है। ऐसा ही होता, बाहर का दृश्य प्रभाव व्यक्ति को प्रवाहित कर लेता है। और इतना खतरनाक काम कुएं के पास कर ले, नहीं मुंडेर के ऊपर, और वहाँ खड़े होकर के और ध्यान करना और शरीर को साधना बड़ा मुश्किल काम है। क्या हुआ, क्या बीता उसके चतुर्मास में, उसके साथ में, ये बताऊंगा अगले समयों में। श्रद्धाशील बंधु वो एवं श्रद्धाशील बाहर, आपके सामने श्री
उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। इसके नौवें अध्याय पर कुछ विचार विमर्श हो रहा है। नौवां अध्याय है नमी पवज्जा अध्याय। नमी राज नमी नाम के राजा ने दीक्षा ली थी, वे मुनि हुए थे। उस दीक्षा पवज्जा के बारे में बात है। उन्होंने कैसे दीक्षा ली, कैसे राज का परित्याग किया, इतना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में कैसे आया, यह है विचार चल रहा है। बंधु वो जिसके जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है, उसके जीवन में परिवर्तन आता। कैसे क्यों आता है? ज्ञान से, ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर होता है। जब अंधेरा मिट जाता है, जो वस्तु जैसी होती है वह स्पष्ट होकर दिखाई देती है। ये तो ये चीज थी। हम कुछ और समझ बैठे, जैसे रस्सी को अंधेरे में व्यक्ति सर्प समझ बैठा, सर्प को रस्सी समझ बैठा। ये तब तक है जब तक अंधकार है। अंधेरा मिटा, वस्तु स्थिति स्पष्ट हो गई, ये रस्सी है या ये सर्प है। तो बंधु हो, मैं ये परिवर्तन की बात कह रहा था, वो तभी आता है जिसके जीवन में ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। ये ज्ञान ज्योति किसके जीवन में और कैसे प्रकट होती है? आप कह सकते हैं हमारे जीवन में प्रकट हुई नहीं हुई, क्या जाने क्या माने, क्या स्थिति है। भगवान ने ज्ञान ज्योति के प्रकट होने में तीन बातें बताई। पहली बताई स्वयं बुद्ध। क्या बताया भाइयों, बोलो। स्वयं बुद्ध, जिनको स्वयं से ज्ञान होता है, हो जाता है स्वयं से, अपने आप से जन्मना, जिनको इस तरह ज्ञान होता है वे
स्वयं बुद्ध कहलाते। तीर्थंकर भगवंतों का कोई गुरु नहीं होता। सारी दुनिया तो ये कहती है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, पर तीर्थंकर वे महापुरुष होते हैं जिनको जन्म से ही ज्ञान होता है। आप पूछेंगे उन्हें जन्म से ज्ञान है, हमें नहीं है। कारण है इसका, वे जन्मांतरीय साधक होते हैं। इससे पिछले जन्म में भी उन्होंने साधना की होती है, अनेक जन्मों की साधना होती है उनके पास में। उस साधना के कारण से उनको जन्म से ज्ञान होता है। इसलिए उन्हें कहा स्वयं बुद्ध, अपने आप स्वयं से विज्ञानी है। आप समझ गए इस बात को कि जो पूर्व जन्मों की साधना है उसके कारण से ऐसा होता है। दूसरा बताया वेद, प्रत्येक बुद्ध वे महापुरुष होते हैं जिनको किसी घटना विशेष से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। बताना चाहूंगा ये भी पूर्व जन्म के साधक होते हैं, लेकिन उतने गहरे नहीं जितने के पहले वालों के मैंने बात की। होते ये भी पूर्व जन्म के साधक हैं, लेकिन अधिक साधना न होने के कारण से इनके ज्ञान के ऊपर एक हल्का सा आवरण आ जाता है। शिष्य कई तरह के होते हैं, पारदर्शी होते हैं, कई पारदर्शी नहीं होते, कईयों पर स्क्रीन चढ़ा देते हैं, कईयों पर कागज लगा देते हैं। जब स्क्रीन लगा दी गई, कागज लगा दिया, अब वे पारदर्शी नहीं रहे, बीच में रुकावट है। व्यक्ति बाहर देखना चाहता है, शिष्य के ऊपर स्क्रीन लगी हुई है, आपने देखा, दिखाई नहीं दे रहा, कोना एक पकड़ा, झटका दिया, उतार दी, अब क्या हो गया, दिखाई देने लगा, पारदर्शिता आ गई। इनके ऊपर, इनके ज्ञान पर भी एक हल्का सा आवरण होता, घटना से, किसी प्रसंग से हट जाता है। वो हटा और इनका ज्ञान प्रकट हुआ। वो जो आवरण का हटना है वो आवश्यक है, और वो तभी होता है कि जब कोई बात हो, कोई घटना हो, कोई उपदेश मिले, कहीं से कुछ हो, तब हो पाता। मैं प्रत्येक बुद्धों की बात कह रहा था, किसी घटना को देख करके विचार उत्पन्न हुआ और फिर विचार इतना गहरा हो गया, इतना गहरा चला गया कि वो जो आवरण था वो हट गया, अब पारदर्शिता आ गई। बंधुओं, कथाएं तो कई हैं, पर मैं उस बात को समझने के लिए बीच में कह रहा हूं। एक राजा हुए, उनका नाम करकंडू था। एक बार वे अपने गौशाला में चले गए, वहां उन्होंने देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया था,
छोटा बछड़ा। राजा ने देखा, बहुत सुंदर लगा। वैसे भी बच्चे सुंदर लगते हैं, मानव की तो बात ही क्या, पशु के बच्चे भी सुंदर लगते हैं, प्यारे लगते हैं। वो तो बछड़ा था, राजा का मन मोहित हो गया। राजा ने हाथ फिराया, उसे पुचकारा, प्यार किया, और फिर राजा ने कहा, भाई देखो ये बहुत प्यारा, बहुत अच्छा है, इसको भर पेट दूध दो। ऐसा नहीं कि वे थोड़ा सा पीला हटा दिया, फिर दूध निकाल लिया, अपने प्रयोग में लाए, ऐसा मत करना, इसको तो भरपूर दूध दो। अब राजा का हुक्म हो गया, उसको कौन टाल सकता था। ठीक है, सुबह शाम उसको भरपेट दूध दिया जाने लगा, इससे वो पुष्ट हो गया, और भी सुंदर हो गया, और भी अच्छा लगने लगा। राजा जब भी उधर से गुजरते, वो गौशाला मार्ग में थी, तो रथ रुकवा लेते और कहते, भाई वो बछड़ा दिखाओ। तो राजा उतर करके वहाँ चले जाते, कभी बछड़े को बड़ा हो गया तो बाहर लाने लगे, राजा उसको पुचकारने लगा, बहुत अच्छा लगता उसको, कि बहुत प्यारा, अब तो और ही अच्छा लगने लगा। समय बीतता रहा, धीरे धीरे बछड़ा बड़ा हो गया, एक दिन पूरा बैल हो गया। अब तो उसका सौंदर्य देखने लायक था, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, फिर बलिष्ठ भी था। राजा को पहचानने लगा था, क्योंकि पशु भी पहचानते अपने मालिक को, और राजा उसको जब भी गुजरता हाथ फिराता, उसका सिर खुजाता, और वो भी राजा को चाटने लग जाता, इतना प्यार हो गया था।